हेलो गाइस, वेलकम टू वायलपुर। आज वीडियो में बताएंगे कैसा तरीका जिससे आप आसानी से घर बैठे एजुकेशन वीडियो बना सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना है। तो सबसे पहले देखिए, आपका क्वेश्चन ऐसे आएगा, हु वाज द कैप्टन ऑफ द 2016 आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप T20 क्रिकेट टीम। तो ऐसा आपका क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन आने के बाद यहाँ से आपका एक बढ़िया सा, देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आ जाएगा, और ऐसे करके ऑप्शन सी आ जाएगा, ऑप्शन डी भी आ जाएगा। जैसे ऑप्शन डी आएगा, उसके बाद आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। टाइमर स्टार्ट होने के बाद आपका टाइम्स अप हो जाएगा। तो टाइम्स अप होने के बाद देखिए यहाँ पे आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर है, तो देखिए यहाँ पे कलर भी चेंज हो गया, और देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया से दिख रहा है, और ये भी यहाँ पे रेड दिख रहा है। अब अगला क्वेश्चन पे जाएंगे तो ये वाला रेड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले कोई इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं हम, तो चलिए एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब देखिए इसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए, सबसे पहले यहाँ पे मिथाली राज कौन है, इनका पिक्चर क्या है, इनके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दे सकते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, देखिए आपका क्वेश्चन आ जाएगा, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो आपका ऑप्शन ऐसे आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा, वैसे ही करके ऑप्शन आएगा बढ़िया सा, और ऐसे करके आप बढ़िया सा बढ़िया वीडियो बनेगा और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आएंगे, और व्यूज आएगा अर्निंग भी अच्छा खासा होगा। तो देखिए ऐसे आपकी वीडियो चलने के चांस बहुत ही ज़्यादा है। अगर इसमें चाहे तो आप अपना आवाज़ दे सकते हैं, या अगर चाहे तो इसमें आप बिना आवाज़ के केवल यहाँ पे कोई म्यूजिक लगा सकते हैं और ऐसी वीडियो बना सकते हैं। जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में बन जाएगा। जी हाँ, हर रोज़ आपको एक वीडियो बनानी है, हर रोज़ ये 15 मिनट ही देना है। 15 मिनट में आप ऐसा एक वीडियो बना सकते हैं, हर रोज़ 15 क्वेश्चन का, 20 क्वेश्चन का, 15 मिनट में आपका वीडियो बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखिए कितना आसानी से ये भी आ गया, और ऐसे करके आप आसानी से वीडियो बना सकते हैं। फिर ऐसे करके यहाँ से इसके बारे में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, और ये पिक्चर वगैरह भी लगा सकते हो। तो ऐसा अट्रैक्टिव बनाने के लिए चलिए मैं आपको स्क्रीन प्ले चलता हूँ, और वहाँ पर सिखाता हूँ कैसे ऐसे बनाना है। पहली बार बनाएंगे तो देखिए आधा घंटा लगेगा, लेकिन ये पहली बार बनाने में तो आधा घंटा लगेगा, लेकिन उसके बाद से जब भी बनाएंगे, हर रोज आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट लगने वाला है। मुझ पर विश्वास कीजिए, और वीडियो को चलिए शुरू करते। तो पावर पॉइंट ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे फाइल पे चले जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लेंगे, आप कोई सा यहाँ से ले लीजिएगा। लेने के बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, इस पर हम क्लिक करके इसे हम डिलीट कर लेंगे या फिर कट कर लेंगे। तो चलिए दोनों को सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके एक एक करके यहाँ से कट कर देते हैं। कट करने के बाद देखिए कुछ ऐसा आपका इंटरफेस आएगा। आप सबसे पहले इतना आएगा तो सबसे पहले हम होम पे चले जाएंगे। होम पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो शेप है, इनमें से ये वाला शेप ले लेना है जो मैं ले रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से दूसरा शेप भी ले सकते हैं, या फिर देखिए यहाँ पे जो भी इतने सारे शेप दिखाई देंगे इनमें से भी आप कोई सा ले लेंगे। तो चलिए ये वाला शेप ले लेते हैं। इतना लेने के बाद यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ से हम एक यहाँ पे शेप को ड्रॉ कर लेंगे, देखिए कुछ ऐसा सा। अब देखिए ये तीर के कमान जैसा है, ऐसा आपको ले लेना है। और ये जो पीला वाला है, इसको आगे पीछे करके इस शेप को हम चेंज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही काम करना है कि यहाँ से ऐसा शेप ले लेना है, और ऐसे लेके आपको 8-10 जितने क्वेश्चन बनाने हैं उतना आपको शेप ले लेना है। तो आप शॉर्टकट ये भी अपना सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं इसे टाइम बचाने के लिए। दोबारा वहाँ पर जाने के बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पे फॉन्ट पे चले जाएंगे होम पे जाने के बाद, और फॉन्ट अपना ले लेंगे, और उसका फॉन्ट का साइज़ कितना रखना चाहते हैं वो आप ले लेंगे। और यहाँ पे क्लिक करके देखिए आप चाहे तो यहाँ पे अपना कलर जो भी चूज करना हो फॉन्ट का वो चूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर लिखना है 1, यहाँ पे लिखने के बाद देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे अपने कलर में जाना है। कलर देखिए वाइट लेना है तो वाइट ले सकते हैं, ब्लैक लेना है तो ब्लैक ले सकते हैं, और यहाँ पर लिख देंगे। देखिए इसको हम सबसे पहले लिखने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, इसको सेलेक्ट करके वापस से होम पे चले जाएंगे। होम पे जाने के बाद कलर को यहाँ से वाइट कर लेंगे, तो सबसे पहले वहाँ पे क्लिक करके इसको वाइट कर लेते हैं। अब वाइट हो चुका है तो देखिए ऐसे करके आपको जितने क्वेश्चन का वीडियो बनाना है उतना ही आपको ऐसा बना के ले लेना है, यानी कॉपी पेस्ट कर लेना है, ऐसा ही कुछ शेप को ले लेना है। तो सबसे पहले यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेंगे। ऐसे कर करके आपको यहाँ पे 16, 17, 18, 19, 20 जितना है आपको क्रिएट कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, दोनों को सेलेक्ट करके भी हम कर सकते हैं, फिर से यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे लगा देंगे, या फिर आप चाहे तो देखिए तीन को एक बार में बना करके तीनों को सेलेक्ट करके कॉपी करके और यहाँ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नंबर चेंज कर देंगे, नंबर 1 यहाँ पे 2, तो ऐसे करके आपको कर लेना। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से हम कर लेते हैं। अब देखिए हमारा हो जाने के बाद यहाँ पे मैंने यहाँ पे 9 तक लिखा है, यहाँ पर चाहे तो 16 तक लिख सकते हैं। अब इतना कर टाइम बचाने के लिए मैंने इतना ही लिया है। उसके बाद सबसे पहले क्या करना है, इतना लेने के बाद पहले वाले पे क्लिक करेंगे शेप पे, और यहाँ पे होम पे चले जाएंगे। होम पे जाने के बाद सबसे पहले देखिए यहाँ पे
आपको यहाँ पे आ जाना है, सेव फील्ड में आ जाना है और यहाँ पे क्लिक करके रेड कलर का ले लेना, जो कलर आपको अच्छा लगे वो ले लेना। देखिए तो पहला हमारा रेड होगा, यानी पहला क्वेश्चन है तो पहला रेड है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा। इतना होने के बाद सबसे पहले हम क्या करना है, देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है तो पहला रेड हो गया। उसके बाद फिर से होम पे चले जाना, होम पे जाने के बाद यहाँ से हमको शेप ले लेना है और जो आपको शेप अच्छा लगे वो ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लेकर के यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे, रेक्टेंगल है कुछ ऐसा हम ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए इसको यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, जो एज है यहाँ सॉफ्ट एजेज हैं तो यहाँ पे इसको लेके यहाँ पे ड्रॉ कर लेना, अपने हिसाब से जितने साइज़ का रखना चाहते हैं रख लीजिएगा। फिर से यहाँ पे चले जाएंगे, उसके बाद फॉर्मेट पे चले जाना है शेप के। फॉर्मेट पे जाने के बाद सबसे पहले सेव फील्ड में जाना है या फिर नो फील्ड में भी जा सकते हैं, सेव का फील्ड जो रखना रख सकते हैं। नो फील्ड में जाना है, आउटलाइन क्या करना है आपको, नो फील करना है और यहाँ पे जाके यहाँ पे सेव फील्ड में नो फील कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आउटलाइन पे जाना है, आउटलाइन पे जाना है, उसके बाद यहाँ पे आउटलाइन का कलर जो रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, ब्लैक रख सकते हैं, ब्लू रख सकते हैं, आपकी येलो रख सकते हैं। फिर से उस पर जाना है और यहाँ पे हमें साइज़ जो है आउटलाइन की साइज़ को तो अपने हिसाब से रख लेंगे, तो ये वाले जो आपको अच्छा लगे वो रख लेंगे। अब देखिए हमारा कुछ ऐसा बन के आ चुका है। अब फिर से देखिए यहाँ पे जाना है, इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में जाने के बाद आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना है। तो राइट साइड में यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा हो, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करके आपको एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ड्रॉ कर लेना, मतलब यहाँ पे ड्रैग कर लेना है। और इतना लेने के बाद देखिए यहाँ सबसे पहले यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख रखा है टाइम बचाने के लिए, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे लाके। कॉपी पेस्ट करने के बाद देखिए कुछ ऐसा आएगा, इसको मैं राइट साइड में ड्रैग करके इसको कुछ ऐसा कर लूँगा। और उसके बाद सबसे पहले इतना कर लेने के बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं साइज़ फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, आप भी कलर वगैरह जो चेंज करना हो यहाँ से होम पे आ करके आप चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट का देखिए एरियल ब्लैक लेना हो, जो आपको अच्छा लगे वो फॉन्ट रख लीजिएगा। उतना रखने के बाद सबसे पहले यहाँ पे फॉन्ट का साइज़ भी आपको जितना अच्छा लगे उतना रख लीजिएगा अपने हिसाब से। इतना रखने के बाद अब यहाँ पे हम फिर से जाएंगे और यहाँ पे कलर हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाके फिर से आपको वहीं पे चले जाना है और वहाँ पे जा करके आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। तो चलिए होम पे जाना है, होम पे जाने के बाद कलर पे टैप पे जाना है, यहाँ पे ब्लू ले लेते हैं, लाइट ब्लू आपको जो अच्छा लगे उसको ले लीजिएगा। अब इतना कर देने के बाद देखिए कुछ ऐसा हमारा दिखेगा। अब यहाँ पे करने के बाद सबसे पहले होम पे चले जाएंगे, होम पे जाने के बाद फिर से हम शेप में चले जाएंगे। शेप में जाने के बाद एक छोटा सा बॉक्स को ड्रॉ कर लेंगे, देखिए कुछ ऐसा आपको एक छोटा सा बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। और ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये आपकी फॉर्मेट पे जाना है, शेप के फॉर्मेट सेलेक्ट करने के बाद जो ब्लैक कलर है ये वाला लेना है नीचे वाला। और लेने के बाद देखिए कुछ ऐसा बढ़िया सा दिखेगा। अब यहाँ पे करने के बाद सबसे पहले आप इस यहाँ पे जाना, होम पे जाना है और यहाँ से यहीं पे लेकर के यहाँ पे एक और सा बॉक्स बना लेना है, लेकिन ये रेक्टेंगुलर शेप में कुछ बड़ा सा बना लेना है, कुछ ऐसे ड्रैग करके बना लीजिएगा जहाँ पे आप अपना आसानी से लिख सके। और यहाँ से जाके वापस से यहाँ पे कलर वगैरह चेंज करके वापस ये कलर दे देंगे, देखिए कुछ ऐसा कितना बढ़िया दिखेगा। अब इसको सिलेक्ट ऑल करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट जाके ग्रुप में जाके इसको हम ग्रुप कर देंगे, ग्रुप हो गया। फिर से इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से देखिए सबसे पहले बॉक्स वन में जाना और यहाँ पे आपको फॉन्ट साइज जो लेना है ले लेना, जो फॉन्ट लेना है यहाँ पे ऑप्शन ए लिखना है, ऑप्शन बी है तो ऑप्शन बी लिखना है, ऑप्शन ए लिख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जो भी लिखना है आप लिख देंगे, साइज जितना रखना है रख लेंगे। अब चलिए यहाँ पे ऑप्शन ए लिख देते हैं। अब उतना लिखने के बाद यहाँ पे दूसरे बॉक्स में क्लिक करके अब ऑप्शन जो भी आपको ऑप्शन को लिख लेना। देखिए मैं जो ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें टाइम कम लगेगा। अब इतना हो गया, अब इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा पूरे को। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से सेलेक्ट करके कंट्रोल वी से तीन कॉपी बना लेंगे, यानी तीन यहाँ पे कॉपी बन गया, देखिए कुछ ऐसे पेस्ट हो गया। और यहाँ से अच्छे से अलाइन कर लेंगे, अच्छे से इसको यहाँ पे एक लाइन में कर लेंगे। और इतना कर लेने के बाद देखिए आपको एकदम पोजीशन बराबर में कर लेना है, टाइम कम लगेगा आप बना के देखेंगे तो। देखिए ऐसे इतना हो जाने के बाद सबसे पहले सिलेक्ट ऑल करना है, इस वाले जितने बॉक्स हैं इनको सिलेक्ट करके वापस फॉर्मेट में चले जाना है, ग्रुप में चले जाना है, अनग्रुप कर देना। पहले ग्रुप किया था, अब आपको अनग्रुप कर देना है। इतना कर लेने के बाद सब देखिए कुछ ऐसा आ गया। उसके बाद फिर से हम होम पे चले जाएंगे, होम पे जाने के बाद यहाँ से हम कुछ यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से देखिए इस वाले को एरो ये वाला शेप ले लेंगे ताकि हमारा इंडिकेट कर सके कि आंसर हमारा कौन सा है। तो ये वाला शेप ले लीजिएगा वहाँ पे जा करके। अब यहाँ पे फिर से फॉर्मेट में चले जाएंगे और शेप का कलर चेंज कर लेंगे, ग्रीन ले लेंगे, आपको जो अच्छा लगे वो ले लीजिएगा, ग्रीन ले लेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और जहाँ भी आपका ऑप्शन वहाँ पर ले जाकर ड्रैग करके रख देंगे। इतना कर लेने के बाद यहाँ से वापस से देखिए यहाँ पे इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे वीडियो में चले जाना है। इस वीडियो में आपने जो भी वीडियो, जैसे मैंने मान लीजिए टाइमर वाला है मैंने यहाँ पर लगा रखा है,
तो यहाँ लेके ड्रैग करके यहाँ छोटा सा ले लेंगे, देखिए जहाँ भी लगाना है उसको लगा लेंगे। तो अभी टाइमर को मैं लिंक दे दूँगा, यहाँ पे जो टेलीग्राम है वहाँ पे इस टाइमर को मैं खुद बना रखा है, वहाँ पे दे दूँगा, वहाँ से ले लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। अब इतना कर लेने बाद देखिए वापस से होम पे चले जाएंगे, यहाँ पे शेप में चले जाएंगे। शेप में जाने के बाद आपको जो अच्छा शेप लगे, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए जो शेप लेना है उसको ले लेंगे। तो चलिए एक नया शेप ले लेते हैं, इसको यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे शेप ले लेंगे कुछ ऐसा। इस पर फिर से फॉर्मेट पे चले जाएंगे और इसका हम कलर चेंज कर लेंगे। तो ऐसे ही आपको करना है, कलर वगैरह चेंज कर लेना है। उसके वापस यहाँ पे इंसर्ट में चले जाएंगे देखिए, और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स आपको बताइए कैसे लाना, और यहाँ पे जो भी लिखना है लिख दीजिएगा, उसको सेलेक्ट करके कलर वगैरह चेंज कर दीजिएगा, फॉन्ट चेंज कर दीजिएगा, एक्सप्लेनेशन जो भी है। उसके बाद फिर से इंसर्ट में जाने के बाद पिक्चर में चले जाना है, और यहाँ पर कोई भी फ़ोटो वगैरह लगाना है तो लगा सकते हैं। तो सबसे पहले फ़ोटो में चले जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद जो भी आपने डाउनलोड किया है, जो भी किया है फ़ोटो है, उसको यहाँ से हम लेके रिसाइज करके यहाँ पे अच्छे से पोजीशन कर देंगे। तो ऐसे करके आप आसानी से बढ़िया सा एक वीडियो बना सकते हैं। तो देखिए टाइम आपको ज़्यादा नहीं लगेगा ऐसे बनाएंगे, तो इतना कर लेने के बाद देखिए अभी हमारा सारा कुछ बन के रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, एनिमेशन वगैरह लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एनिमेशन पे चले जाएंगे सेलेक्ट करने के बाद, और इसके बाद देखिए जो आपको एनिमेशन अच्छा लगे, अपीयर या फेड या फिर जो भी है विल, जो आपको अच्छा लगे इनमें से ले लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ से ये वाला एनिमेशन ले लेते हैं, जिसको आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ही एनिमेशन लगाना है। अब हम टेक्स्ट बॉक्स को ले लेते हैं, फिर से एनिमेशन पर चले जाते हैं, और फिर से यहाँ से हम एनिमेशन लगा देते हैं। आप देखिए यहाँ पर नीचे मोर पर जाके आप यहाँ पे ज़्यादा एनिमेशन भी ले सकते हैं। नीचे जाएंगे और यहाँ पे मोर एनिमेशन पर चले जाएंगे, और यहाँ से देखिए ये वाला एनिमेशन हम ले लेंगे, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसको लेके यहाँ पे सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। यहाँ से ओके करने बाद हमारा ये दो एनिमेशन लग चुका है, अब हमें यहाँ पे तीसरा एनिमेशन लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए इस उससे पहले हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, इसका आउटलाइन हम दे देते हैं, फॉर्मेट पे चले जाना है यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे फिल में चले जाना है देखिए यहाँ पे आउटलाइन पे, और यहाँ पे आउटलाइन जो भी आपको लेना है उसको यहाँ पे देखिए जो आपको अच्छा लगे वो ले लीजिएगा। तो सबसे पहले आउटलाइन पे क्लिक करके आउटलाइन का साइज ले लेना है और येलो ले लेना है। ऐसे ही हम तीनों में फिर से करेंगे, तीनों में ऐसे आउटलाइन बना लेंगे, एक बार में ही सिलेक्ट कर लीजिएगा चारों को, और ऐसे ही आउटलाइन आपको ले लेना है ताकि दिखने में बहुत ही अच्छा लगे। तो मैंने ये कर लिया, कर लेने बाद फिर से बॉक्स वन है जो आपका ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके एनिमेशन पे चले जाएंगे। एनिमेशन पे जाके अब हमें एनिमेशन लगाना है, और देखिए फ्लाई इन है, वाइप है, जो है आपको लगाना था, वाइप यहाँ पर अच्छा रहता है। इतना करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर देखिए विंडो पेन ये होगा, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है एनिमेशन पेन, उस पर क्लिक करने के बाद देखिए सबसे पहले तो क्या करना है आपको, जो यहाँ पे एनिमेशन है उसको आपको लगा लेना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो एनिमेशन लग गया है, और उसके प्रॉपर्टी पे हम चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके प्रॉपर्टी पे यहाँ पे जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ से राइट क्लिक करके देखिए यहाँ से, और यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्टार्ट ये लिखा है, उसके बाद आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले इफेक्ट पे हम चले जाएंगे, इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे फ्रॉम लेफ्ट करना है आपको, ऐसे ही सभी में करना है, फ्रॉम लेफ्ट करना है ताकि देखने में अच्छा लगे। देखिए आप दूसरा बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, उसमें भी ऐसे एनिमेशन में चले जाएंगे और सेम वाइप वाला ले लेंगे। अब देखिए वाइफ यहाँ पे ले लेंगे, और वहाँ पे वापस से विंड जो हमारा एनिमेशन का प्रॉपर्टी है यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ उसके बाद यहाँ पे एनिमेशन इफेक्ट में चले जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे जाने के बाद फिर से फ्रॉम लेफ्ट कर देंगे। तो ऐसे ही आपको सभी में कर लेना है, क्योंकि सब तो एक ही जैसा ही, चारों बॉक्स से जो चारों ऑप्शन है चारों में एक जैसा ही आपको करके रख लेना है। अब देखिए कुछ ऐसा आपका दिखेगा जब आप चलाएंगे तो देखने में अच्छा लगेगा। पहले आपका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे देखिए ये आ गया, उसके बाद यहाँ से आप आसानी से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के बाद आपका ऐसा शेप आएगा, इसके बाद ऐसा ड्रॉ होगा, तो ऐसा कुछ बन के आ जाएगा आपने देख लिया। उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, अब ऐसे हम तीनों बाकी के ऑप्शन है ऐसे ही हम तीनों पे अप्लाई करके ऐसे एनिमेशन लगा लेंगे। तो चलिए जल्दी से हम लगा लेते, अब तीनों में लग जाने के बाद, चारों में लग जाने के बाद, अब यहाँ पे जो टाइमर है टाइमर पे क्लिक करके हमें यहाँ पे टाइमर पे क्लिक करके एनिमेशन लगाएंगे। तो एनिमेशन पे चले जाएंगे, सबसे पहले हमें क्या करना, अपीयर वाला एनिमेशन लगाना है। तो सबसे पहले एनिमेशन अपीयर होगा, फिर से हम टाइमर पे क्लिक करेंगे, टाइमर पे क्लिक देखिए एक काम करिएगा, जो पहले नंबर पे एनिमेशन उसको रिमूव कर दीजिएगा, नहीं तो आगे दिक्कत हो सकता है। फिर से यहाँ पे एनिमेशन पे चले जाएंगे, ऐड एनिमेशन पे आप जाना है, क्योंकि आपकी एक ही चीज़ पे दो एनिमेशन लगा रहे हो,
उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद देखिए प्ले एनिमेशन कर देना है। अब यहाँ से अपने आप प्ले होगा, पहले अपीयर होगा फिर प्ले होगा, फिर से उसको सेलेक्ट करके एनिमेशन में चले जाना है, टाइमर को सेलेक्ट करके एनिमेशन में चले जाना है, ऐड एनिमेशन पे चले जाना है। ऐड एनिमेशन पे जाने के बाद आपको एग्जिट एनिमेशन पे जाना है, यानी आपको इसको हटाना भी है। तो एग्जिट एनिमेशन पे चले जाएंगे तो यहाँ से ड्रैग करके जो भी है आप एनिमेशन पे चले जाते हो, और यहाँ पे फेड लगा सकते हो, जो अच्छा लगे वो लगा सकते हो। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक गलती है, जो सबसे पहले नंबर पे एनिमेशन है टाइमर का वो डिफ़ॉल्ट आ चुका है, उसको रिमूव कर दीजिएगा तब ये सारा प्रोसेस कीजिएगा, नहीं तो आगे चल के थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। वो मेरे से गलती हो गया है, आगे आप ये गलती मत कीजिएगा। तो इतना कर लेने के बाद देखिए सबसे पहले फिर से एनिमेशन पर हम चले जाएँगे, और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ से फ्लाई इन जो भी है जो आपको अच्छा लगे अपीयर है, तो देखिए जो हमारा ये ऑप्शन वाला है इसको सेलेक्ट करके एनिमेशन उस पर भी लगा लेंगे। फिर से उसके प्रॉपर्टी में चले जाएंगे, एनिमेशन इफेक्ट में चले जाएंगे, अब फ्रॉम लेफ्ट हम कर देंगे। तो सबसे पहले यही वाला काम हम कर लेते हैं, एनिमेशन इफेक्ट में चले जाते हैं और यहाँ से क्लिक करके हम इसे फ्रॉम लेफ्ट कर लेते हैं। देखिए फ्रॉम लेफ्ट करने के बाद ओके कर देंगे तो देखिए कितना अच्छा से दिख रहा है। इतना कर लेने के बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे शेप को यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखिए जो आंसर वाला है उसको सेलेक्ट करके फिर से एनिमेशन में चले जाएंगे, और उसके बाद ऐड एनिमेशन में हम क्लिक करना, क्योंकि हम एक ही एनिमेशन पे दो एनिमेशन लगा रहे हैं एक ही चीज़ पे। और यहाँ पे देखिए ये वाला नहीं लीजिएगा, मैं ले लिया गलती से, लेकिन आप दूसरे वाला सेव फिल ले लीजिएगा। अब इतना कर लेने के बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पे एनिमेशन स्टार्ट विद प्रीवियस या स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस अपने हिसाब से जो है वो ले लीजिएगा, या फिर इस माउस के क्लिक पे, या फिर एनिमेशन यहाँ पे इफेक्ट पे चले जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आने के बाद हमें कलर पे चले जाना, मोर कलर पे, और यहाँ पे देखिए जैसा कलर रखना चाहते हैं, मैं ग्रीन रखना चाहता हूँ तो ग्रीन पे करके ओके कर लूँगा। देखिए यहाँ पे ओके करने के बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पे ओके कर लेंगे। ओके अब देखिए हमारा ऐसा हो चुका आंसर आएगा। अब इतना हो जाने के बाद देखिए अब सबसे पहले हम क्या करना है, अब इस वाले हम तीनों चीज़ों पे एनिमेशन लगा लेंगे। तो सबसे पहले इस वाले पे हम क्लिक करेंगे, इस पे सेव पे क्लिक करके एनिमेशन पे चले जाएंगे, अपीयर फेड जो आपको अच्छा लगे उस पे क्लिक करके एनिमेशन लगा देंगे। फिर से हम टेक्स्ट पे क्लिक करके टेक्स्ट बॉक्स वाले पे क्लिक करके उस पे भी एनिमेशन हम लगा लेंगे, और ऐसे ही करके हम सेव जो हमारा पिक्चर है उस पे भी लगा लेंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स पे भी क्लिक करके एनिमेशन पे क्लिक करना है, जिसको भी आपको एनिमेशन लगाना है उसको पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इतना कर लेंगे उसके बाद फिर से यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी में चले जाएंगे, जो भी आपको करना हो कर सकते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पे पिक्चर वाले को ही सेलेक्ट करके हम कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाके उसके बाद फिर से हम पिक्चर वाले को कर देंगे, पिक्चर वाले करके यहाँ से फिर से अपीयर कर देंगे। उसके बाद एक काम करना है, स्टार्ट विद प्रीवियस करना है, क्योंकि एक ही साथ ही ये स्टार्ट होना चाहिए, इसलिए प्रॉपर्टी पे जाके तीनों में स्टार्ट विद प्रीवियस कर दीजिएगा, दोनों में, आखिरी के दोनों में। इतना कर लेने के बाद देखिए कुछ ऐसा आपका आ जाएगा, ये रेक्टेंगल है हमारा, ये सारे देखिए। अब इन सबको यहाँ पे एक काम करना है, माउस पे क्लिक करके और यहाँ पे स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस कर देना है। जितने आपका रेक्टेंगल आपने बनाया है ना, इन सब में आपको स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस कर देना है। मैंने सभी में कर लिया, आपको भी ऐसे ही कर लेना है, ताकि अपने आप ही स्टार्ट हो जाए, या फिर आप माउस के क्लिक से भी कर सकते हैं। तो आपका आपके ऊपर है जैसा करना चाहिए। आप देखिए प्रीव्यू देख लेते हैं, लेकिन एक गलती हो चुकी है, अब यहाँ पे पहले टाइमर आ जा रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पे रिमूव नहीं किया, आप रिमूव कर लीजिएगा। जो सबसे जब भी आपने टाइमर ऐड किया उसी टाइम पे आपको एनिमेशन दिखेगा, एनिमेशन में जाके पहले नंबर पर टाइमर चला जाता है, उसको वहाँ से रिमूव कर लेंगे। अब फिर से यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अब इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले जो एनिमेशन है, अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, लेकिन आपको एनिमेशन लगाने से पहले ही रिमूव कर लेना था, मैंने ये छोड़ दिया। अब यहाँ पे इतना कर लेना, देखिए इस टाइमर को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर से एनिमेशन में चले जाएंगे और एनिमेशन में जाके अपीयर लगा देंगे। अब देखिए अब अपीयर का लग गया है। अब देखिए सबसे पहले इतना लग जाने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस टाइमर को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे टाइमर को सिलेक्ट करके यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी में चले जाएंगे, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस कर देंगे, या फिर स्टार्ट विद प्रीवियस, जैसा आपको अच्छा लगे कर दीजिएगा। फिर से एक बार प्ले करके देखते हैं तो देखिए अब टाइमर नहीं आ रहा है पहले, नहीं तो पहले टाइमर आ रहा था, तो ये गलती मैंने कर दिया था, इसको सुधार लिया, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। देखिए अब ऐसे आपका ऑप्शन वगैरह आएगा, उसके बाद आपका यहाँ टाइमर आ जाएगा, लेकिन टाइमर चालू नहीं हो रहा, इसके लिए एक एनिमेशन और भी लगाएंगे। तो वापस से आ जाते हैं, फिर से टाइमर को सिलेक्ट कर लेंगे, एनिमेशन पे चले जाएंगे। देखिए एनिमेशन पे चले जाते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले ऐड एनिमेशन पे करना है। जब भी आपको एक ही ऑब्जेक्ट पे एक से ज़्यादा एनिमेशन लगाना है तो ऐड एनिमेशन करना है। उसके बाद प्ले एनिमेशन कर देंगे तो ये प्ले होगा, देखिए अब ये पहले अपीयर होगा फिर ये प्ले होगा। फिर से एक एनिमेशन लगाएंगे इसको सिलेक्ट करके, अब उससे पहले इस वाले को देखिए, इस वाले को हम जो पहला टाइमर है ना उसके नीचे जस्ट लेके जाएंगे, ऊपर करके यहाँ पे क्लिक करके, ताकि उसके बाद ये प्ले हो। तो इसीलिए मैंने थोड़ा गलती कर दिया, तो इसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ।
ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर से इसको सिलेक्ट करके एनिमेशन पे चले जाएंगे, फिर से यहाँ पे ऐड एनिमेशन पे चले जाएंगे और अब हम एग्जिट एनिमेशन लगाएंगे, यानी ये एनिमेशन बंद हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ से ड्रैग करके नीचे करके यहाँ पे फेड कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे यहाँ पे फेड को चूज कर लीजिएगा। अब इतना कर लेंगे तो यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा, लेकिन इसको हमें ऊपर करना है, जो टाइमर है तीनों को इकट्ठे करना है। तो इसको यहाँ पे क्लिक कर करके मैं इसको उस लेवल पे ले जाऊँगा जहाँ पे तीनों टाइमर मेरे इकट्ठे हों, यानी तीनों टाइमर का एनिमेशन एक साथ हो। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए, स्टार्ट विद प्रीवियस नहीं करना है आपको, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस करना है, यानी जो पहले टाइमर आएगा उसके बाद टाइमर चलेगा, उसके टाइमर एग्जिट हो जाएगा। तो इसलिए एनिमेशन आपको ऐसा लगाना है, मैंने एक गलती कर दी थी इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। फिर से प्रीव्यू देख लेते हैं। अब देखिए आपको कुछ ऐसा आएगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद देखिए ऐसा आपका चलने लग जाएगा और ऐसे एनिमेशन वगैरह आएंगे और ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे करके आप बढ़िया से बना सकते हैं। चलिए फिर से एक बार प्ले कर देता हूँ। पहले आपका क्वेश्चन आएगा, फिर से यहाँ पे आपका ये देखिए क्वेश्चन आने के बाद यहाँ ऑप्शन आएगा पहला, फिर दूसरा ऑप्शन आएगा, फिर तीसरा आएगा, चौथा आएगा, फिर यहाँ पर टाइमर आएगा, टाइमर अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद टाइमर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, टाइमर हट जाएगा, फिर यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, देखिए आपका ऑप्शन ए है सही। उसके बाद एक्सप्लेनेशन देना है तो आप अपने माउस के क्लिक से दे सकते हैं या फिर खुद ही लगा सकते हैं ऑटोमेटिक तरीके से। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। और इतना कर लेने के बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पे कॉपी कर लेना जो स्लाइड है, इसको कॉपी करके या कंट्रोल सी करके फिर कंट्रोल वी करके सारे स्लाइड को हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए आप भी ऐसा पेस्ट कर लीजिए ताकि आपको बार बार ऐसे चीज़ें नहीं बनाना पड़े। आपका एक बार में टाइम तो लगा लेकिन हर बार नहीं लगे। आप देखिए पहले वाले को सिलेक्ट करूँगा, देखिए पहले एनिमेशन में चले जाऊँगा, यहाँ पर दूसरे स्लाइड पे जाके यहाँ पे रेड ले लूँगा, ऐसे ही कर करके आपको सभी को, फिर तीसरे स्लाइड में तीसरे को रेड करना है, फिर चौथे स्लाइड में चौथे ऑप्शन को रेड करना है, लेकिन पहले वाले को ब्लू करते जाना है, हर एक में पहले वाले को ब्लू करते जाना है। वैसे ही पाँचवें स्लाइड में पाँचवें को रेड कर देना है। देखिए मैं जैसे कर रहा हूँ आपको भी ऐसे ही कर लेना है, फॉर्मेट में जा कर के यहाँ पे कलर को यहाँ पे रेड कर लेना है। चौथा ऑप्शन पे है तो चौथे में जाकर रेड कर लिया और पहले को फिर से मैं यहाँ से वो कर लेंगे जो करना है। उसके बाद देखिए दूसरे क्वेश्चन पे आ गए हैं, और दूसरे क्वेश्चन आने के बाद देखिए कुछ ऐसा आ रखा है। और आप ऐसे ही कर करके आप वीडियो बना सकते हैं। पहले देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, अब दूसरे स्लाइड पे आ गए हैं, दूसरे स्लाइड पे आने के बाद अपना क्वेश्चन को यहाँ से एडिट कर देना है, नया क्वेश्चन लिखना है, फिर जितने सारे ऑप्शन हैं सारे नए नए ऑप्शन लिख लेना है और ऐसे करके आप वीडियो बना सकते हैं। आप देखिए इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, जब आपने एरो आया है या फिर टाइमर है इन सब को डिलीट कर दीजिएगा, एनिमेशन को रिमूव यहाँ पे क्लिक करके कर दीजिएगा। क्योंकि अब देखिए अगला ऑप्शन हो सकता है आपका आंसर ए ना हो बी हो, तो बी को लगाने के लिए यहाँ से वापस से टाइम यहाँ पे एनिमेशन लगा दीजिएगा। तो थोड़ा सा ही वर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं होगा। देखिए जैसे बी पे मैं लगा रहा हूँ और यहाँ से आपको वापस से टाइमर लगा मतलब यहाँ पे एनिमेशन लगा लेना है, इतना ही थोड़ा सा एनिमेशन लगाना होगा, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं होगा। तो हर एक स्लाइड में ऐसे ही चले जाना है और देखिए जो आखिरी के तीन चार एनिमेशन है उनको रिमूव कर देना है, फिर से ऐसे लगा देना है। अब रेडी हो चुका है, देखिए प्ले करके दिखाता हूँ कैसे प्ले होगा। अब ऐसे करके आप देखिए कितना अच्छा से आ रहा है, और इसका मैंने एक वीडियो बना रखी है मोबाइल से कैसे बनाए, वो मेरे दूसरे चैनल पर है। दूसरे चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर सब्सक्राइब कर लेना, उस वीडियो को भी देख लेना। मोबाइल से ही ऐसे ही बना के मैंने दिखाया है, तो आप मोबाइल से भी बना सकते हो ऐसा ही या इससे अच्छा ही बना सकते हो। तो देखिए कुछ ऐसा बन के आपका आ जाएगा, और ऐसे करके आप आसानी से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, अच्छे अच्छे वीडियो बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद है, अगर वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।